सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 23 आरोपियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई की टीम ने कुशीनगर के पड्रौना में एक घर पर छापामार कार्रवाई की। देर रात सीबीआई की टीम ने घर की तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक जिस पर घर पर छापेमारी की गई वो सेना भर्ती घोटाले में आरोपी एक युवती का है। हालांकि छापेमारी के दौरान युवती घर पर नहीं मिली, जिसके बाद सीबीआई की टीम वापस लौट गई। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने एक आईफोन कब्जे में लिया है। युवती के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में 23 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर जैसे रैंक के अधिकारी भी शामिल है। सेना भर्ती घोटाले में छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि एक फोन बरामद हुआ है, उससे कुछ डिटेल्स मिल सकती है, लेकिन अभी भी सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 23 आरोपियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा अब तक मारा है। आगे भी जो जांच है वो जारी रहेगी और भी कई ठिकानों पर छापा मारा जा सकता है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई की टीम ने कुशीनगर के पड्रौना में एक घर पर छापामार कार्रवाई की। देर रात सीबीआई की टीम अचानक घर पर पहुंच गई और तलाशी लेने लगी। जानकारी मिल रही है कि जिस घर पर सीबीआई की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी वो सेना भर्ती घोटाले में आरोपी एक युवती का घर है। हालांकि छापेमारी के दौरान युवती के घर पर बहुत कुछ नहीं मिला है, एक फोन बरामद किया गया है, उस फोन से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस फोन को अपने कब्जे में लेकर सीबीआई वापस लौट गई। छापेमारी के दौरान सीबीआई लगातार ये ढूंढने की कोशिश कर रही है, तलाशने की कोशिश कर रही है कि कुछ सुराग हाथ लग सके जिससे जिसकी निशानदेही पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सीबीआई की टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है, कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो रिसेंटली कार्रवाई हुई उसमें बहुत कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन अब तक 23 आरोपियों के 30 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो सकी है। इनकी निशानदेही पर ही अब आगे जाकर दूसरे ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी। जी बिल्कुल, ये सेना के अंदर भर्ती एक घोटाला है जिसकी शिकायत सेना मुख्यालय के एक अधिकारी ने सीबीआई से की थी कि एक जांच में ये पाया गया है कि सेना में भर्ती के नाम पर जो है रिश्वत ली जा रही है और जो अनियमितताएं हैं वो सामने आई थी, जिसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक FIR दर्ज की, जिसमें कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें से 17 जो आरोपी हैं वो सेना से जुड़े हुए हैं, जिसमें 6 जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं, इसमें मेजर भी है और साथ में प्राइवेट पर्सन है, यानी कि उनके परिवार के लोग भी हैं। उन लोगों को आरोपी बनाने के बाद कुल देश के 13 शहरों में एक साथ 30 जगहों पर जो है रेड्स की गई थी और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, अहम दस्तावेज, वो सीबीआई ने बरामद किए थे। क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला है कि जिस तरीके से सेना के अंदर जो है सिलेक्शन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे या फिर उनको सेना में भर्ती किया जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें जब सेना आर्मी के सामने आई थी तो उन्होंने सीबीआई को एक लेटर लिखा था और एक FIR दर्ज करने की बात की थी, क्योंकि इसमें सेना के काफ़ी बड़े रैंक के अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी हैं, कुल 6 अधिकारी ऐसे बताए जा रहे हैं और उनके परिवार के लोग भी हैं। तो उसके बाद पूरे देश भर में जो है ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और इस तरीके से कितने लोगों ने भर्तियाँ की गई है या फिर करने की प्लानिंग चल रही थी। इस पूरे मामले पे अब सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। FIR करने के बाद देश के अलग अलग शहरों में, कुल 13 शहरों में 30 लोकेशन पे रेड्स की थी और रेड अभी भी कई जगहों पे जारी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जुटाना सीबीआई चाहती है और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि 23 लोगों को नामजद इसमें आरोपी बनाया गया है और चौथे कॉलम में जो है अननोन प्राइवेट पर्सन है, यानी कि जिन जिन लोगों के नाम और सामने आएंगे उनको भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है। तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जो है अभी सीबीआई की जो है सर्चिस चल रही है और ऐसे तमाम वो सबूत जुटाना चाहती है ताकि जितने भी, क्योंकि ज़्यादातर जो आरोपी है इनमें वो सेना के बड़े अधिकारी हैं, उन पर अगर शिकंजा कसा तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होने चाहिए। इसीलिए सीबीआई लगातार जो है अलग अलग जगहों पे सर्च कर रही है किन किन लोग जो है वो प्राइवेट पर्सन है, किस तरीके से आदमी ढूंढा जाता था, पैसे की डील कैसे होती थी और किस तरीके से पैसे का लेन देन होता था और कितने लोगों को भर्ती कराया जा चुका है और पूरा सेना के अंदर ऐसे क्या क्या लू पॉइंट है या फिर कौन लोग मिले हुए हैं,
जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। इससे पहले भी पेपर एक लीक हुआ था सेना का, तो उस वक्त जो परीक्षा है वो टाल दी गई थी। और जिस तरीके से सेना के अंदर ये जानकारी मिली थी, उसके बाद सेना मुख्यालय के एक अधिकारी ने ही सीबीआई को लिखित में एक शिकायत दी थी कि इस पूरे मामले की जो है बहुत ही डिटेल इंक्वायरी और जांच की जानी चाहिए, ताकि क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, अगर कोई भी रिश्वत दे के सेना के अंदर भर्ती होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा खतरा जो है सेना के अंदर हो सकता है, या फिर जो गुप्त सूचनाएं हैं या फिर कॉन्फिडेंस सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे लीक हो सकती है। तो इस तमाम जानकारी को जुटाने के लिए सीबीआई ने अब जो है देश के अलग अलग 13 शहरों में रेड्स कर रही है, और लगातार ये रेड्स आगे बढ़ भी सकती है आधिकारिक तौर पे, क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है तो सीबीआई ने भी डिटेल शेयर नहीं करी है कि किस एक्यूज्ड के घर पे क्या क्या चीज़ें मिली है, किस तरीके के एविडेंस है, क्योंकि बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। और इसके बाद जो है तो चीज़ें जो है वो और सामने आएंगी कि आखिर पूरा ये रैकेट किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था और कितने टाइम से ये ऑपरेट किया जा रहा था। और अभी ऐसा लगता है कि कई और ऐसे ठिकाने अभी बचे हुए हैं जहां पर सीबीआई की टीम को पहुंचना है। फिलहाल 30 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, कई जगह से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। आगे किस तरह से इस कार्रवाई को बढ़ाया जाता है ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। लखनऊ से हमारे साथ संकल्प भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकल्प, सीबीआई की टीम ने रिसेंट सर्च किया कुशीनगर के पड्रौना में, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये रहती थी जिसके ऊपर सेना भर्ती का आरोप भी है। एक आईफोन बरामद किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ सीबीआई को। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई की टीम्स एक्टिव हैं और उन हर उस पहलू पर जांच की जा रही है जो अब तक इस पूरे मामले में, चूंकि सेना के अधिकारियों के साथ ही अन्य लोगों के नाम आते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस रैकेट को चलाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब कड़ी से कड़ी जोड़कर जो जांच की जा रही है, और कई अहम दस्तावेज ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई में कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर आगे की जो छापेमारी की कार्रवाइयां हैं वो की जा सकती है और अन्य लोगों के नाम भी इस पूरे मामले में जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि सेना के अधिकारियों के को लेकर के मामला है, 17 अधिकारियों के नाम है और 6 अन्य लोगों के नाम है। 23 लोगों के जो कॉन्टेक्ट थे या फिर जिन लोगों से वो संपर्क में थे, क्योंकि जब चयन किया जाता था तो अभ्यर्थी किस मार्फत से किन लोगों के द्वारा होकर के पहुंचता था, तो सबसे बड़ी बात तरीके की शिकायतें मिली जो मापदंडों को दरकिनार करके जो भर्ती की जा रही थी, लाभ पहुंचाया जा रहा था जिन लोगों को, तो वो कौन लोग हैं, वो खास तौर पे शिकायत जो की गई थी उसमें कई नाम सामने आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कार्रवाई आगे करने के लिए जो सबूत चाहिए, जो कागजात सीबीआई की टीम को हाथ लगे हैं, माना जा रहा है कि अहम है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो कुशीनगर में एक महिला का जो कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो आर्मी की जो पूरी भर्ती थी उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जो हो रहा था, पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, उसमें वो इन्वॉल्व थी। तो साफ तौर पे एक मोबाइल फोन सीबीआई की टीम को मिला है, वो माना जा रहा है कि उस मोबाइल फोन से भी कई अहम सुराग सामने लग सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो लगातार सीबीआई की टीम इस पूरे मामले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही यून पूरे सिंडिकेट्स को भी वर्कआउट किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे संभावित लोग थे जिनके जरिए नेटवर्क चलता था, और सेना में भी अगर कोई अन्य ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आ पाए, सभी को चिन्हित करने का काम सीबीआई की टीम कर रही है, उनके ठिकानों को चिन्हित करने का काम सीबीआई की टीम कर रही है, और अचानक पहुंचती है तलाशी लेने के लिए, छापामार कार्रवाई करने के लिए। फिलहाल और क्या आगे तथ्य सीबीआई को मिलते हैं ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद प्रबोध आपका और संकल्प आपका तमाम जानकारी के लिए।